हेलो एवरीवन, तो हम आपके लिए क्लास नाइन्थ मैथ से एक टॉपिक लेके आए हैं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके टू केस बनेंगे। पहले केस में क्या होगा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा। दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब कि यहाँ पर टू रेशनल नंबर्स के बीच में हमें बहुत से नंबर्स फाइंड करने रहेंगे। ठीक है, यन का मतलब हो गया बहुत से नंबर, जैसे आपको फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे, सिक्स रेशनल नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट अपना देखेंगे टाइप, फाइंड अ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो चलिए हम यहाँ से फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कोई एक्स और वाई कोई दो रेशनल नंबर हैं, और वो किस प्रकार हैं, सच दैट x इज लेस देन y, देन इसका मतलब कि x जो है y से छोटा है, देन 1 बाई टू एक्स प्लस वाई विल बी अ रेशनल नंबर व्हिच lies between x and y। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने यदि ऐसे कोई x और y कोई दो रेशनल नंबर्स हैं आपके, और वो किस प्रकार हैं, x is less than y है, वो इस प्रकार हैं, तब 1 अपॉन टू एक्स प्लस वाई एक रेशनल नंबर होगा जो x और y के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, लाइज करेगा। ठीक है, मतलब कि 1 अपॉन टू एक्स प्लस वाई एक्स और y के बीच में ये रेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल जैसे आपका यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया टू और थ्री। यहाँ पर क्या हो गया, टू इज लेस देन, देखिए यहाँ पर टू इज लेस देन, यहाँ से यहाँ देखते हैं टू क्या हो गया, लेस देन थ्री, मतलब ये आपका x, ये आपका y, तब क्या होगा, वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई इक्वल क्या होता है, यहाँ पर x कितना है, टू है, तो यहाँ से टू प्लस थ्री, ये कितना हो गया 5 बाई टू। अब इसको हमने कट किया, कितना आएगा 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या आ गया 2.5। आप इसको काटिए मत, ऐसे भी रहने दीजिए, तो 5 बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या आ गया 2.5 आ गया। ये आप लोग इसे इस वाले एग्जाम्पल को नोट कीजिए, हम और एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पर आपको। जैसे यहाँ पर हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे 3 और 4 ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन 4 के है, तब यहाँ पर ये x बन गया, ये y बन गया, तो यहाँ से 1 बाई टू एक्स प्लस वाई, अब x कितना है 3 है, तो 3 हो गया, सॉरी पहले 1 बाई टू 3 प्लस 4 हो गया आपका। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 7 बाई टू होगा। अब चाहे इसको आप काटिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, तो हम इसे काट देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5, तो 3 और 4 के बीच में आपका एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका एग्जांपल और हो गया 8 और 9 का, यहाँ पर 8 इज लेस देन 9, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन टू एक्स प्लस वाई, एक्स आपका पहले 1 बाई टू लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, एक्स आपका कितना है 8 है, वाई आपका कितना है 9 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17 बाई टू हो जाएगा, और टू अभी से काटेंगे तो यहाँ से 8.5 आ जाएगा,
8 जा 16, फिर पॉइंट लगेगा 25 जा 10 हो जाएगा, तो 8.5 हो जाएगा। तो 8.5 आपका जो है 8 और 9 के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आपको जब एक रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में जब आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा तब हम फार्मूला लगाएंगे 1/2x + y, जिससे आपको एक रेशनल नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम एक एग्जांपल सॉल्व ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जैसे 6 और 7 है, तो यहाँ पर 6 क्या है, लेस देन 7 है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/2x + y। आपका x कितना है यहाँ पे, पहले 1/2, x कितना है 6 है, y कितना है 7 है, ये आपका हो गया 13/2। अब इसे हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6.5। तो 6 और 7 के बीच में एक रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा 6 और 7 के बीच में। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे जब हमें n रेशनल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जब हमें n रेशनल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे 2 नंबर्स के बीच में, तब हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका दूसरा टाइप बनेगा, फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। हमें मतलब कि एक से ज़्यादा रेशनल नंबर जब फाइंड करने रहेंगे तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही मान लेते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 रेशनल नंबर्स सच दैट, वो किस प्रकार है आपका, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, देन 2 फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर देयर आर। यहाँ से हम वाई माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे आपका एन प्लस वन, ये आपका किसी ना किसी के इक्वल होगा, तो हमने मान लिया ये डी के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर यन क्या होगा, यन आपका वो होगा जैसे कि आपका कितने नंबर्स बताए जा रहे हैं, कितने नंबर्स निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, 5 नंबर्स निकाला जाएगा तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। 6 नंबर बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आप 6 रेशनल नंबर्स निकालिए, तो यन आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही बोला जाएगा 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आप 8 नंबर्स निकालिए, 8 रेशनल नंबर्स निकालिए, तो यन आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह आपका बोला जाएगा कि आपका 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आप 10 रेशनल नंबर्स निकालिए, तब आपकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू जितना नंबर्स बोला जाएगा उतने नंबर, मतलब कि एन की वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स आपके हो जाएंगे x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x + nd, आपको जितना निकालना रहेगा। तब हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, जब हमें n आपके रेशनल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, तब हम फार्मूला लगाएंगे d = y - x / n+1। यहाँ से हम d फाइंड करेंगे, फिर नंबर्स आएगा तो हम x + d करेंगे, फिर उसके बाद x + 2d करेंगे, x + 3d करेंगे, x + 4d करेंगे, आपको जितने नंबर्स निकालने रहेंगे आप उतने कीजिए। जैसे 5 बोला गया तो 5d तक जाएंगे, अगर 6 बोला गया तो 6d तक जाएंगे, 7 बोला गया है 7d
डी तक, 10 डी 10 बोला गया है तो 10 डी तक जाएंगे, ठीक है, x प्लस 10 डी हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम भी हमने जो फार्मूला लगाया वो वाले फार्मूले से लगा कर हम आपके रेशनल नंबर फाइंड करेंगे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, और वो 2 रेशनल नंबर आपके क्या हैं, 3 एंड 4 हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पर x इक्वल आपका हो गया 3, y इक्वल हो गया 4। अब कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, n की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 6 नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 नंबर फाइंड करने हैं तो n इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें सभी वैल्यू मिल गई है, तब हम फार्मूले पर आते हैं, तो d इक्वल क्या हो जाएगा, y माइनस x अपान n प्लस 1, यहाँ से y आपका कितना है, 4 है, x कितना है, 3 है, n कितना है, 6 है, और आपका ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, 1/7 हो गया, ठीक है, कितना हुआ, 1/7 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके 6 रेशनल नंबर, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, और क्या हो जाएंगे, x+6d। हमें 6 तक फाइंड करना है, तो हमने बताया ना जितना फाइंड करना होगा हम उतना ही जाएंगे, x प्लस यहाँ पर हमें कितना फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, तो हम x+6d तक गए। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्लस डी की वैल्यू 1/7, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा 3+2/7, ठीक है। ये कैसे 2/7 हुआ पता चला आपको, देखिए यहाँ पे 2 × 1/7 है, तो आप 2 इसे ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 3/3/7 हो गया, फिर उसके बाद आपका 3+4/7 हो गया, फिर 3+5/7 हो गया, और ये आपका हो गया 3+6/7 हो गया, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो 1 7 जा 7, अब 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 21+1, मतलब कि यहाँ पर 22/7 लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 22/7। फिर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो 23/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें करेंगे 23/7 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 24/7 होगा, फिर आगे बढ़े तो हम 25/7 हो गया, यहाँ पर पहुँचे तब, ठीक है। कितने नंबर्स हो गए आपके, 4 नंबर हो गए। अब आपके 5 नंबर्स की बारी आती है, तो 26/7 हो गए, फिर आपके ये कितने हो गए, 2 2 4 1 5, अभी 5 नंबर पे, अभी इसकी बारी आती है, तो ये हो जाएगा 27/7। तो ये आपके क्या हो गए, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स हो गए, 6 रेशनल नंबर्स हो गए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोगों को ये समझ में आया कैसे हुआ, हमें यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डी इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, वहाँ से हम डी निकालेंगे, फिर आपके नंबर्स क्या हो जाते हैं, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, ऐसे बहुत सारे x+nd। तो हमें यहाँ पर 6 नंबर फाइंड करने थे, तो यहाँ पर x+d हो गया, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, x+6d, ऐसे करके हमने यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, किसके बीच में, आपके 3 और 4 के बीच में। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना ये चीज़, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए,
तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 7/9। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, आपका फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आपका 7/9 जो है ये ग्रेटर देन है 1/9 से, तो ये आपका वाई हो गया और ये आपका हो गया एक्स। तो यहाँ पर आपका एक्स इक्वल हो गया 1/9, वाई इक्वल आपका हो गया यहाँ से 7/9, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है देन आपका क्या हो जाएगा, d इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। अब यहाँ पर y कितना है आपका, 7/9 है, x कितना है 1/9 है, n कितना है 5 है और प्लस 1। अब इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 7-1 हुआ, ये आपका हो गया 6। अब क्या होगा आपका, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, ये 6/9 हो जाएगा, फिर ये 6 हुआ। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है बाहर बाहर वाले का, तो ये 6 × 1 हुआ, तो मतलब 6 ही रहेगा, क्या रहेगा 6 ही रहेगा, और ये 9 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, तो एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/9, मतलब यहाँ से d इक्वल कितना आ गया आपका 1/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं d इक्वल कितना आ जाएगा, 1/9 आ गया, ठीक है। ये बाद में आया है, यहाँ से आया है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 7/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4d, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5d, ठीक है। 5 ही नंबर फाइंड करने, इतना हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है, 1/9 है, प्लस d की भी वैल्यू कितनी है, 1/9, ये हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पर 1/9 है, ये आपका हो जाएगा 2/9, ठीक है। फिर ये 1/9 प्लस कितना हो जाएगा, 3/9, ठीक है। और ये आपका हो गया 1/9, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4/9। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1/9 प्लस 5/9। तो आप लोग ऐसे लिखिए, इसे यहाँ तक लिख लीजिए। तो आप लोग पहले इसे यहाँ तक लिखिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पर हम ऊपर करते हैं इसके बाद। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, और ये कितना हो जाएगा, 6/9। तो 1/9 और 7/9 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। तो हमने कितना सीखा यहाँ पे, कि अगर आपके 1 रेशनल नंबर फाइंड करने रहेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई करके दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। फिर हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जब हमें बहुत सारे नंबर्स फाइंड करने रहेंगे तब हम क्या करेंगे, पहले डी इक्वल आपका डी इक्वल फाइंड करेंगे। डी इक्वल क्या होता है, वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, वहाँ से डी फाइंड हो जाएगा। डी फाइंड हो जाएगा तो रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, आपको जितने निकालने रहेंगे एक्स प्लस nd तक, आप जितना निकालिए, ठीक है। तो ये इतने हो जाएंगे। तो ये था आपका पूरा वीडियो, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया होगा इस टॉपिक को। तो आप लोग पहले इसे सब नोट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।